ग्वालियर में भाजपा नेता भीकम खटीक के वायरल वीडियो का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भीकम खटीक के खिलाफ महात्मा ज्योतिबा फुले समिति और वार्ड 33 के भाजपा पार्षद प्रतिनिधि ने शिकायती आवेदन दिया है और उसके खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। ग्वालियर वार्ड 36 की भाजपा पार्षद भावना कनौजिया के पिता भीकम खटीक का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें भीकम खटीक ग्वालियर के भाजपा सांसद भारत सिंह कुशवाहा और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जैसे नेताओं के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। इस मामले में भीकम खटीक को भाजपा ने नोटिस जारी कर दिया है। वहीं अब कुशवाहा समाज भी भीकम खटीक के खिलाफ लामबद्ध हो गया है। कुशवाहा समाज के महात्मा ज्योतिबा फुले जन कल्याण समिति ने ग्वालियर पुलिस से शिकायत की है। समिति अध्यक्ष महेश कुशवाहा ने एडिशनल एसपी को ज्ञापन देते हुए कहा कि कुशवाहा समाज के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी करने के लिए भीकम खटीक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं वार्ड 33 की भाजपा पार्षद सुनीता के पति अरुण कुशवाहा ने भी भीकम खटीक के खिलाफ ग्वालियर पुलिस को शिकायत आवेदन दिया है। मैं समाज का प्रतिनिधित्व करता हूँ, कुशवाहा समाज का, इसलिए मैं आज ज्ञापन देने आया था कि भीकम कन्नौजिया भीकम खटीक जो उसकी लड़की 36 नंबर वार्ड से पार्षद है, वो जाति विशेष गाली गलौज करता है, एक वीडियो में दिख रहा है। और जो 25 लाख जनता का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भारत सिंह कुशवाहा जी, उनको विशेष नाम लेके गाली गलौज कर रहा है। तो एक छविदार व्यक्ति की जो गाली गलौज करके छवि धूनिल करने की कोशिश कर रहा है और पूरी समाज को लेके जो गाली गलौज कर रहा है उसको लेके ज्ञापन दिया है। मैंने आवेदन ये दिया है कि भीकम खटीक नाम का एक व्यक्ति है, वो हर बार कहीं ना कहीं पार्टी के लोगों पे उल्टी सीधी दबाव बनाकर अपने काम कराता है। मेरी छवि को धूनिल करने के लिए मुझे बार बार मेरे को टॉर्चर कर रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहता रहता है अनाप शनाप। अभी अभी मेरे को कुछ लोगों ने बताया कि वो 2-4-5 दिन से लगातार कह रहा है कि मैं इस पर फर्जी ओरिजिनल एक्ट लगवा दूंगा मैं अपनी पार्षद से कहकर। मैंने अभी साहब को बोला है तो साहब ने कही इस पर कार्रवाई करेंगे, उसकी जांच करवाएंगे क्या है। आज जन सुनवाई के दौरान जो है ग्वालियर के वार्ड 33 के कुछ व्यक्ति और पार्षद उनके साथ शामिल थे अरुण कुशवाहा, उनके द्वारा आवेदन दिया गया। आवेदन के संबंध में थाना प्रभारी इंद्रगंज को निर्देशित किया गया है कि जांच कर वैधानिक कार्रवाई करें। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।